नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हीरल त्रिवेदी दवे आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रोस्माइल में। अब आप सोचेंगे आपका अपना चैनल? यस, एस्ट्रोस्माइल इज योर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको अपनी सभी समस्याओं का ज्योतिष की राह पे सही चुटकियों में समाधान मिलेगा। जी हाँ, चुटकियों में, क्योंकि एस्ट्रोस्माइल ज्योतिष की दिशा में एक क्रांतिकारी संशोधन है। क्रांतिकारी संशोधन इसलिए क्योंकि एस्ट्रोस्माइल के फाउंडर है भारत के जाने माने ज्योतिष विशेषज्ञ और जिन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से, और जो भारत के सभी लीडिंग न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल में अपनी भविष्यवाणी सार्थक कर चुके हैं। आइए बात करते हैं एस्ट्रोस्माइल के फाउंडर डॉक्टर पंकज नागर से। नमस्कार, तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आपने मेरी जान पहचान इस शो के दौरान काफी गहरी हद तक बनाई है। दूसरा शुक्रगुजार हूँ मेरे अजीत दोस्त यानी कि मेरे दर्शकगण, क्योंकि आप ही मेरे भगवान हैं। हम वीडियो में तो पेशे खिदमत होते हैं लेकिन अगर देखने वाले ना हो तो मजा ही नहीं आता है। तो हीरल, हम अपने दर्शकगण का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं और आपसे मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप ज्योतिष के बारे में जो कुछ भी बताया वीडियो के अंदर, कुछ और बातें भी अपने दर्शकगण के लिए बताइए कि जिसके अंदर कुछ ज्योतिष का अर्थ उन लोगों को मालूम हो, हमारे एस्ट्रोस्माइल जो संस्था है उसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को मालूम हो। श्योर पंकज जनार्दन, एस्ट्रोस्माइल, एस्ट्रो का मतलब होता है ग्रह संबंधित ज्ञान और स्माइल का मतलब होता है खुशी। जिस शास्त्रों के उपयोग से ग्रहों की मदद से किसी दिखी इंसान के चेहरे पर खुशियों का खजाना आ सकता है वो है एस्ट्रोस्माइल। हाँ, तो डॉक्टर पंकज नागर, हमारे दर्शक को भी आप बताएं कि ज्योतिष शास्त्र का अर्थ क्या है और कितना ज्योतिष शास्त्र मनुष्य के जीवन पर असर करता है। धन्यवाद हीरल और नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकगण। जैसे हीरल ने पूछा, सही मौके पे पूछा, सही मायने में पूछा कि आप लोगों को ये बताया जाए कि ज्योतिष शास्त्र का मतलब क्या है। सबसे पहले ज्योतिष शब्द का अगर अर्थ गठन किया जाए तो ज्योति का मतलब है लाइट यानी कि प्रकाश। स्वयं सूर्य महाराज को देखिए, बिना प्रकाश हम अधूरे हैं, सृष्टि भी अधूरी है। सूर्य हमारा प्राण है, सूर्य हमारे देवता है, तो प्रकाश का महत्व कितना है इस बात से आप मुझे बहुत सरलता से समझ सकते हैं। और उसी प्रकाश के अंदर अगर इस का समावेश किया जाए, मतलब कि प्रकाश के अंदर इस यानी कि ईश्वर का समावेश किया जाए, तो ऐसा कोई प्रकाश है जहाँ पे ईश्वर का वास है, उसको हम बोलेंगे ज्योतिष। अगर इस ज्योतिष शास्त्र का सही मायने में उपयोग प्रयोग हमारे निजी जीवन में किया जाए तो हमारे सारे आदि व्याधि दुख दर्द जो भी हमारी समस्या है उसका आसानी से हमें निवारण मिल सकता है। ज्योतिष सिर्फ दवा नहीं है, ज्योतिष ईश्वर द्वारा दी गई कुछ दुआ भी है। और जहाँ पे दवा और दुआ का सम्मिलित होना होता है वहीं सफलता हमारे हाथों में रहती है। आगे कुछ बातों को लेके हीरल के साथ आपके लिए आगे बढ़ते हैं। बस इफ यू फील दैट दिस ज्योतिष इंफॉर्मेशन इज फ्रूटफुल टू यू, मीनिंगफुल टू यू, कैन कम बैक टू अस। आवर कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर ऑन स्क्रीन एंड इन ड्रॉप बॉक्स। यू कैन कम बैक टू अस ऑन दिस फोन नंबर। रेस्ट ऑल, वी विल मीट इन नेक्स्ट एपिसोड। सी यू सून। थैंक यू वेरी मच।